उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल कर्नाटक के आईआईटी धारवाड़ में करेंगे कई परियोजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनॉथ ने आज आगालेगा द्वीप में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। इस दौरान वे बेगूसराय से तेल, गैस और उर्वरक से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्र ने गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर के 2 गुटों पर प्रतिबंध लगाया। कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की बातें सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद ही लोकतंत्र का हनन कर रही है। समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर रोड स्थित आभूषण के दुकान पर अपराधियों ने 6 लाख नकदी समेत लगभग 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के आभूषण लूट लिए। राजधानी पटना में पिछले 2 दिनों में कोविड के 22 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं रोहतास में कोरोना संक्रमित 4 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई। गोपालगंज जिले में पुलिस सप्ताह के अवसर पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 20 लोगों ने रक्तदान किया। मधुबनी जिले के सदर अस्पताल में पुलिस सप्ताह के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में 50 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने किया रक्तदान। पश्चिम चंपारण जिले के कालीबाग ओपी थाना क्षेत्र में 34 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या।